आज मित्रों लोकसभा के चुनावों की तारीख तय हो गई है और चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आज सारा शेड्यूल घोषित कर दिया है। स्वाभाविक रूप से हम सब लोग इंतज़ार कर रहे थे बेसब्री से चुनाव आयोग तारीखें तय करें और उसके मुताबिक हम अपनी तैयारियों को आगे बढ़ा करके काम करने में जुटें। मुझे इस बात को लेकर के हिमाचल के संदर्भ में मुझे ये ज़रूर कहना है, अब की बार का ये चुनाव अलग परिस्थितियों का चुनाव है एक तरह का, और शायद ही इस प्रकार की परिस्थिति हिमाचल प्रदेश में कभी पहले रही होगी, जहां पूरे देश भर में चुनाव आयोग ने 26 विधानसभा के जो उपचुनाव हैं उनकी भी तारीख घोषित की, जिसमें हिमाचल प्रदेश की भी जो 6 सीटें अभी हाल ही में घोषित की हैं, खाली घोषित की थी, उनकी भी तारीख तय हो गई है और ये तारीख लोकसभा के चुनाव के साथ हो रही है। हिमाचल 7वें फेज में चुनाव में प्रवेश करेगा और 7वें फेज का अभिप्राय है कि 7 मई को नोटिफिकेशन होने के बाद 1 जून को वोटिंग होगी और 4 जून को मतदान होने के पश्चात जो है गिनती होगी। लोकसभा के लिए 4 सीटों का चुनाव वो भी महत्वपूर्ण है क्योंकि देश में सरकार बनाने में हमको अपना योगदान देना है, अपनी पार्टी की ओर से अपना योगदान देना है। लेकिन अब की बार ये भी बड़ी दिलचस्प बात है कि देश की सरकार बनाने के लिए ही नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश में परिस्थिति इस प्रकार की निर्मित हो गई है कि प्रदेश की सरकार बनाने के लिए भी अब की बार ये चुनाव जो होने जा रहे हैं, जहाँ 6 विधानसभा के उपचुनाव जो साथ में ही तय हुए हैं, ये भी एक निर्णायक भूमिका निभाएंगे। और इस बात को मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि अब हालांकि मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है 6 विधायकों के सदस्यता को लेकर के, लेकिन फिर भी उसके बावजूद हम चुनाव के लिए भी तैयार हैं। कानूनी तौर पर इसमें क्या आने वाले समय में परिस्थिति बनती है क्योंकि 18 तारीख को हियरिंग है उसमें, लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहता हूं कि अगर चुनाव 7 हुए देश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और हिमाचल प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, ये मैं आज दावा कर रहा हूं। क्योंकि 6 सीटों पर जब उपचुनाव होंगे, जिस प्रकार से माहौल, जिस प्रकार से पूरा देश में एक वातावरण बना है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, पूरा देश राममय हुआ है, पूरे देश में इस चुनाव में ये दीवार पर लिखी हुई इबारत है कि देश के प्रधानमंत्री अगर बनेंगे तो नरेंद्र मोदी जी बनेंगे, जीत होगी तो भाजपा एनडीए की जीत होगी। और उस दृष्टि से मैं इस बात को मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि जब ये 6 उपचुनाव हिमाचल प्रदेश में जो विधानसभा के लोकसभा के शेड्यूल के साथ आ गए हैं, जब परिणाम ये भी निकलेंगे तो हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी बनेगी और केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 3री बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, ये हमारा कहना है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।